بسم الله الرحمن الرحيم. चीजें बात करने किसी ने एक सवाल किया था. नॉर्मली सम पीपल डू बिग बिजनेस एंड दे पुट स्कीम्स इन फ्रंट ऑफ पीपल लाइक यू इन्वेस्ट सम मनी फॉर वन ईयर एंड दे गिव यू मंथली मनी. दे टेल इट इज अ प्रॉफिट इन बिजनेस सो इट इज परमिसेबल टू इन्वेस्ट सच मनी एंड टेक मंथली प्रॉफिट. विल दिस मनी बी कॉल्ड इंटरेस्ट. मतलब उन्होंने सवाल किया कि अगर कुछ लोग ऐसी स्कीम चलाते हैं जिसमें महाना आप कुछ पैसे आपसे लिए जाते हैं, फिर वो पैसों को इन्वेस्ट किया जाता है और महीना बारी कुछ आपको पैसा देते हैं, तो क्या ऐसे बिजनेस में पैसा डालना दुरुस्त है या वो सूद में आएगा? तो देखिए, सबसे पहली चीज़, कोई भी ऐसा बिजनेस जिसके अंदर वो बिजनेस हलाल चीज़ का किया जा रहा हो और आपसे रकम दरकार मांगी जा रही हो ताकि उस बिजनेस में आप पार्टनर बने, पार्टनर बनने के बाद फिक्स परसेंटेज ऑफ इनकम अगर दिया जा रहा हो तो जायज़ है. फिक्स परसेंटेज ऑफ इनकम, फिक्स अमाउंट नहीं. जैसा मेरा बिजनेस कंस्ट्रक्शन का है, मैं आपसे 1,00,000 रुपया ले रहा हूं और बोल रहा हूं 5,000 रुपये महीने मेरे से आके लेके चले जाना, 60,000 रुपये साल मिल जाएंगे आपको, तो ये इन्वेस्टमेंट सूद में आएगा इसलिए कि वो फिक्स अमाउंट आपको वापस कर रहा है हर महीने. लेकिन कोई कहे कि मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, मुझे 1,00,000 रुपये की जरूरत है, 100 इन्वेस्टर चाहिए 1,00,000 रुपये के, जो भी इन्वेस्ट करेगा और जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है उन 1,00,000 लोगों में मैं अपना 50% रखूंगा क्योंकि मेरी असल मेहनत है, और बाकी 50% को मैं 100 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा परसेंटेज वाइज. फिर वो फीसद कुछ भी हो सकता है, 5,000 रुपये भी हो सकते हैं, 10,000 रुपये हो सकते हैं, 1,000 रुपये हो सकता है, 500 रुपये महीना भी हो सकता है, 6,000 रुपये साल भी हो, कुछ भी हो सकता है. लेकिन अगर कोई कहे कि फिक्स अमाउंट देना है कि मैं आप इन्वेस्ट कीजिए फिक्स देता हूं, तो ये जायज़ नहीं होगा. हाँ, ये अलग बात है कोई ये कहे कि मैं फिक्स अमाउंट मंथली दूंगा 5,000 रुपये और साल के बाद हिसाब किया जाएगा, हिसाब करने के बाद जो आपका फीसद है आपको दे दूंगा, अगर ज़्यादा दिया तो अगले महीने में कम कर दूंगा, तो ये भी जायज़ है. मतलब वो दे रहा है आपको, समझ लीजिए उसका अप्रॉक्सीमेट इनकम होती है 5,000-8,000, वो कह रहा है कि 5,000 तो महीना ले लो, बाकी साल के आखिर में हिसाब करेंगे, तो जायज़ है क्यों तो उसका फीसद तय है. लेकिन वो पूरा फीसद अभी नहीं देगा, साल के आखिर में देगा, सम परसेंटेज आपको देता रहेगा. जैसे 5,000 रुपये फिक्स प्रॉफिट, 6,000-8,000 कुछ भी होता होगा, बाद में हिसाब वो अलग चीज़ है. लेकिन अगर कोई कहे नहीं, 1,00,000 दो और फिक्स 5,000, फिक्स 3,000 लो साल में, 36,000 साल में 60,000, तो फिर ये जायज़ नहीं, इसलिए कि सूद में आएंगे. इसलिए कि फिक्स अमाउंट आप नहीं सकते सम अमाउंट पे, इसलिए कि सूद इसी कहते हैं कि किसी से फिक्स पैसा लेकर कुछ फिक्स मकदार में मखसूस वक्त के लिए रखा जाए और उस पर मखसूस अमाउंट ही वापस दी जाए, यही तो सूद है. लेकिन अगर कोई परसेंटेज में दे रहा है, परसेंटेज फिक्स हो सकता है 10%, 5%, 2%, 1%, 0.5%, तो लेने में हर्ज नहीं. तो आप देखिए पहले उसका बिजनेस हलाल है क्या. बिजनेस हलाल है तो आप देखिए कि वो आपको फिक्स अमाउंट ना दे, फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कुछ दे सकता है, जो कि अमाउंट कुछ भी हो सकती है. जैसा कि 5% महीना, 5% 5 रुपये भी हो सकता है, 5% 5,000 भी हो सकता है, और 5% 50,000 भी हो सकता है, इतना भी मुनाफा, वो डिपेंड है. अगर सालाना आप हिसाब करते हैं और कुछ फिक्स लेते हैं तो वो जायज़ है कि मैं सालाना हिसाब होगा, लेकिन मंथली कुछ ना कुछ अखराजात के लिए दे रहा है, साल के बाद फिर हिसाब होगा और जो भी निकलेगा आपका एक्स्ट्रा दे दिया, वो एक अलग शक्ल है. तो बहरहाल इन्वेस्टमेंट हलाल चीज़ में हो और फिक्स अमाउंट ऑफ परसेंटेज अगर वो देता है तो लेने में इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं है.